हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कंपनी 2013 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में देखने को भी मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मस्ट बी ट्रीटेड एज, अगर कोई शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया जाता है तब उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? प्रीमियम ऑफ शेयर इशू, रिवेन्यू रिसिप्ट, डेफर्ड रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल लॉसेज? तो आंसर इज द कैपिटल रिसिप्ट, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर मस्ट बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? शेयर प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, सिक्योरिटी प्रॉफिट अकाउंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सेकेंड इज द बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मस्ट बी शोन सेपरेटली ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो शो किया जाता है बैलेंस शीट में ऑन लाइबिलिटी साइड में, लेकिन किस साइड में? शेयर कैपिटल, शेयर फंड्स में, रिजर्व एंड सरप्लस में या शेयर होल्डर फंड्स में? सिक्योर्ड लोन, रिजर्व एंड सरप्लस, अनसिक्योर्ड लोन, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो वो कहां शो किया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर होल्डर फंड्स में। क्लियर है बात? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, एक मिनट। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिक्योरिटी कैन बी इश्यूड एट द डिस्काउंट एज पर कंपनी एक्ट 2013, इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो आप इसमें से आपको बताना है कि कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सिक्योरिटीज को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम नहीं कर सकते, स्वीट इक्विटी शेयर्स को कर सकते हैं, और किसको कर सकते हैं? प्रिफरेंस शेयर्स को नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को कर सकते हैं और बॉन्ड्स को कर सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? 2, 4, 5। तो इसमें से देखिएगा ए बी सी डी, विच विल इज द आंसर? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सी इज द राइट आंसर। किस किस को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स को, प्रिफरेंस शेयर को नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को कर सकते हैं और बॉन्ड्स को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर? टेबल एफ, टेबल ए, टेबल सी, टेबल जी। तो कौन सी टेबल है? टेबल एफ क्या करती है? शेड्यूल फर्स्ट कंपनी एक्ट के में बताती है प्रोविजन रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज ऑफ कंपनी राइट एसेट्स डेप्ट रिवेन्यू, तो वो क्या है कंपनी के लिए? तो कंपनी के लिए वो क्या है? डेप्ट। सी इज द आंसर। सेवेंथ नंबर क्या बोल रहा है, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स मेड बट नॉट पेड। अमाउंट ड्यू हो गई कॉल्स पे जो की थी बट लेकिन अभी पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, अनपेड अमाउंट या डिफॉल्टिंग अमाउंट, वो क्या कहलाएगी? कॉल्स इन एरियर। एट नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड देन शेयर आर टू बी सेट ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नन ऑफ द अबव, उसको क्या बोलेंगे हम? अंडर सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड द शेयर हैज टू बी ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, मिनिमम सब्सक्राइब या नन ऑफ दी।
तो वो क्या कहलाएगा, ओवर सब्सक्राइब। टेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ईच एप्लीकेंट रिसीव द शेयर इन सब प्रोपोर्शन इज नोन एज बोनस अलॉटमेंट, राइट अलॉटमेंट, पर एप्लीकेंट अलॉटमेंट, प्रो डाटा अलॉटमेंट, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रो डाटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑथोराइज बाई कंपनी में रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर इवन दो द अमाउंट हैज नॉट बीन कॉल्ड अप विच इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो क्या कहलाएगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डैश पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस शेयर ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट कैन बी, डिविडेंड कैन बी, नो डिविडेंड, नन ऑफ द अबव, कॉल्स इन एडवांस में क्या दिया जाएगा, नो डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। एज पर टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट कंपनी एक्ट 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैन बी पेड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना दिया जाएगा, 8%, 10%, 12% और 15%, तो कितना दिया जाएगा, 12% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ऑन कॉल्स इन एडवांस में। टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट कंपनी एक्ट 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी रिसीव्ड एट पर एनम 10%, 12%, 15%, 8%, तो लेंगे तब कितना, 10%, कंपनी बड़ी होती है तो इसने मतलब ज्यादा देती है, तो ज्यादा देती है तो 12%, और ओनर्स शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे होते हैं तो कम लेती है, तो कम लेते का मतलब 10%, कंफ्यूजन नहीं होना, 12% कंपनी देती है, बड़ी है कंपनी तो ज्यादा पैसा देगी, 10% शेयर होल्डर छोटे हैं तो वो कम पैसा देंगे किसको, कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड फ्रॉम कौन से पीरियड के लिए दिया जाता है, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द डेट ऑफ एप्रोप्रिएशन, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू द डेट ऑफ एप्रोप्रिएशन, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस टू द डेट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉल, डेट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू द डेट ऑफ डिविडेंड पेड, तो कब तक दिया जाता है, ये दिया जाता है डेट ऑफ रिसीप्ट इन कॉल इन एडवांस टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ द कॉल, जब कॉल का पैसा आ गया और जब हमने कॉल की है तब उस बीच के इंटरवल तक का हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कौन देती है, कंपनी देती है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डी इज द राइट आंसर। सेवनटीन नंबर क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द एंड ऑफ ईयर, कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है, एक कंपनी में अलॉट फुल्ली पेड शेयर टू द प्रमोटर्स और एनी अदर पार्टीज फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय देम, शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, तो क्या करेगा, तो वो करेगा क्या चीज, गुडविल अकाउंट। डैश मे बी सेट टू कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप बाय वे ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और एनी कॉल, सरेंडर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो क्या कर लिया जाता है, फॉरफीचर ऑफ द शेयर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20th, Which of the following security can be forfeited for non-payment of allotment and calls money? Equity share, preference share, equity share debenture,
ओनली वन, ओनली थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड ओनली। तो कौन सा फॉरफीचर कर सकते हैं हम? ओनली इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैन बी फॉरफीटेड। तो आंसर क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर। 21st क्वेश्चन क्या बोला? 21st क्वेश्चन में देखो, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, देखना। द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कैपिटल एस लिमिटेड कितना है? 80 लाख ऑफ 1100 ईच। एक शेयर कितने का है? 1100 रुपए का। देयर वाज नो कॉल सिनेरियो टिल द फाइनल कॉल वाज मेड। कोई भी एरियर नहीं थी जब तक फाइनल कॉल मंगाई तब तक। द फाइनल कॉल मेड वाज ऑन 77,500 शेयर्स। ठीक है भाई। द कॉल्स इन एरियर अमाउंट 2 रुपीज 62,500। द फाइनल कॉल पर शेयर कितनी होगी? 25, 7.80 पैसा, 20 या 62.50 पैसा। तो देखो टोटल शेयर कितना है हमारा? यहाँ पे 110 रुपए है। कितना है? 110 रुपए। इसको करेक्शन करके यहां पे कर लेना 100 रुपीज। कितना कर लेना? 100 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल सकते हैं 80 लाख डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आया हमारा? ये आ गया 80,000 शेयर्स। कितना आ गया? 80,000 शेयर्स। 80,000 में से कितना आ गया? 77,500 पैसा आ गया। तो इसका मतलब कितना पैसा नहीं आया? 2,500। कितना नहीं आया? 2,500। और 2,500 नहीं आया। और वो कितने शेयर्स का था? कितना पैसा था 2,500 का? 62,500। तो 62,500 डिवाइडेड बाई 2,500, तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 25 रुपीज। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 25 रुपीज इज द आंसर। ए इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है? एन लिमिटेड एक्वायर एसेट्स कितने की? 71,25,000 फ्रॉम द एच लिमिटेड। ठीक है भाई, ले ली एसेट्स बाय इश्यू 10 रुपीज शेयर एट द प्रीमियम 25%। शेयर इशू किया 25% पे। द नंबर ऑफ शेयर इशू टू सेटल परचेज कंसिडरेशन विल बी कितने शेयर इशू करेंगे? तो सिंपल सी बात है, 10 का 25% करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका मतलब 2.5 आया। तो इसका मतलब कि 10 रुपए का शेयर हम कितने में दे रहे हैं? 12.5 में। और टोटल अमाउंट कितनी है हमारी? 71,25,000। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5,570,000 शेयर्स विल बी इश्यूड। द आंसर विल बी द ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है? अनलिमिटेड ने अलॉट किया 10,000 से 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे एप्लीकेंट्स को। कितने? 14,000 एप्लीकेंट्स को, शेयर्स ऑन प्रोडाटा बेसिस पे। ठीक है भाई। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेंट्स 2 रुपीज। राम अप्लाइड 420 शेयर्स। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट। तो इसका मतलब कि राम ने अप्लाई किए थे 420, तो इसका मतलब उसको अलोट कितना किया गया शेयर? तो इसका मतलब 10,000 को तो कितना अलोट किया गया है? 14,000। सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या चीज? 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उनको अलोट किया गया था 10,000। तो 420 के लिए अप्लाई किया गया है तो अलॉट कितना किया गया है ये हमें निकालना है। यही बात है तो निकाल देंगे, सिंपल से बात है। क्या चीज?
कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं? तो 420 को कितने अलॉट करेंगे? 3,300। कितने अलॉट करेंगे? 300। क्लियर है बात? कितने अलॉट करेंगे? 300। अब बात आती है कि द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन के साथ उसके पास कितना पैसा आएगा? 420 के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया होगा? 840 रुपीज। कितना रुपए आया है? 840 रुपीज। और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में हम कितना करेंगे? कैपिटल अकाउंट में हम कर देंगे 600। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना पैसा आया हमारे पास? एक्सेस पैसा कितना आया? 240 रुपीज। तो इसका मतलब कि एक्सेस 300, 240, 60 शेयर्स, 160 एक्स्ट्रा पैसा आया, 340 शेयर्स, 160 एक्स्ट्रा पैसा आया, 320, 240 एक्स्ट्रा पैसा आया। तो कितना एक्स्ट्रा, कितने शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा पैसा आया? 300 शेयर्स पे 240 रुपीज एक्स्ट्रा आए हैं। दैट विल बी, ए विल बी द आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिटेंस टू एक्स लिमिटेड, कितना है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है, कॉल्स इन एरियर है 40,000 रुपीज, कॉल्स इन एडवांस है 25,000 रुपीज, प्रपोज डिविडेंड है 15,096। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज पेबल, तो अमाउंट डिविडेंड पे कितनी दी जाएगी? तो सबसे पहली बात, डिविडेंड इज नॉट पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस। डिविडेंड इज पेबल ऑन द पेड अप कैपिटल, इस पे दी जाएगी, पेड अप कैपिटल पे। और पेड अप कैपिटल कैसे निकालेंगे? कॉल्स, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। तो कितना है? 5 लाख माइनस 40,000। तो इसका मतलब, तो जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे कितना डिविडेंड दिया जा रहा है? उस अमाउंट पे दिया जा रहा है 1596। तो कितना पैसा आएगा? 69,000। कितना आएगा? 69,000, 75,000, 72,000, 750, 71,000, 250, 69,000। तो आंसर विल बी द 69,000 विल बी द आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आर लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ सी लिमिटेड कितने में? 2,70,000 रुपीज में पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर, अलॉटेड इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, फुल्ली पेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम ऑफ सी लिमिटेड, सच शेयर आर इशूड एट पार, नंबर ऑफ शेयर बी इशूड इन परचेज कंसिडरेशन। कितना दिया जाएगा? तो कितने का शेयर कर रहे हैं? तो इसका आंसर सिंपल सा है, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा? 27,000 विल बी द आंसर। तो 27,000 मतलब सी इज द आंसर।
नेक्स्ट है हमारा आर लिमिटेड परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ सीज लिमिटेड 2,70,000 पेबल इन द फुल्ली पेड अप शेयर। इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अभी मेरे पास मैसेज आया है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसमें कहीं ना कहीं गलती है अमाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा 26 क्या बोल रहा है, आर लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ सीज लिमिटेड 2,70,000 पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर। आर लिमिटेड अलोटेड इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है इज फुल्ली पेड अप इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम बाय सी लिमिटेड। ठीक है, सच शेयर आर इशूड एट द प्रीमियम 20% पे। ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द आर लिमिटेड टू द सेटल ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो कितने शेयर इशू किए जाएंगे उसको, तो सिंपल सी बात है, कितने का परचेज किया ला 2,70,000 का फुल्ली पेड अप। आर अलोटेड कितना किया है 10 रुपए का ईच फुल्ली पेड सेटिस्फेक्शन बाय द सीज। ठीक है, सच शेयर आर इशूड एट 20% प्रीमियम, कितने परसेंट प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे इशू किया है। तो 20% कितना होगा, 10% का 20% कितना आएगा 2 रुपए। तो इसका मतलब कि 10 रुपए वाले शेयर कितने रुपए में इशू किया है, 12 रुपए में। कुछ नहीं करना है, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12, तो कितने अमाउंट आएगी इसकी, इसकी अमाउंट आएगी 22,500 शेयर विल बी अलोटेड। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा 27 क्या बोला है, एक्स वाज इशूड 100 शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ₹1। ठीक है भाई, 10 रुपए का शेयर 1 रुपए प्रीमियम पे। ही इज पेड अप्लीकेशन विद इन टोटल अमाउंट 5 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम एंड फेल द बैलेंस कॉल मनी ऑफ ₹5। फाइंड द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कितने डिस्काउंट हम उसको दे सकते हैं, तो कितना दे सकते हैं, 5 रुपीज। जितना पैसा आ गया दैट अमाउंट विल बी गिवन एज ए डिस्काउंट। जितना पैसा हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, उतने तक की हम क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, तो कितना दे सकते हैं, 5 रुपीज तक की हम क्या दे सकते हैं उसको डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ शेयर्स मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन शुड नॉट एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं हो सकता, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। नेक्स्ट हमारा 28th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस लिमिटेड एक्वायर ए फिक्स एसेट्स वर्थ 15 लाख बाई इशू ऑफ शेयर 100 रुपीज एट 25% प्रीमियम। द नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड बाई एस लिमिटेड टू सेटल द परचेज कंसिडरेशन। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल से हमने क्या करना है, 15 लाख 25% पे है तो डिवाइडेड बाई 125। भाई 100 का 25% करेंगे तो कितना निकल गया, 25 प्रीमियम का 100 रुपीज का शेयर, तो 125 का शेयर बन गया। तो कितना शेयर इशू करें, अलॉट करेंगे उसको, 12,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। तो आंसर नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू लिमिटेड हैड अलॉटेड 1,000 शेयर्स ₹1,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स टू ₹1,40,000 शेयर्स ऑन प्रो डाटा बेसिस। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन इज ₹2। मिस्टर एन अप्लाइड ₹4,200 shares. The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from M कितनी है? तो इसका मतलब कितना 1,40,000 रुपए आए हैं और अलोट कितने किए गए थे, 1,000 1 लाख रुपए के शेयर। क्लियर है बात, अप्लाई उसने कितने का क्लियर किया, 4,200 रुपीज के लिए। तो इसका मतलब अलोट उसने कितने के लिए किया हुआ, तो कैसे करेंगे, क्या निकालना है हमें, अलोटमेंट निकालना है, तो अलोटमेंट निकाल देंगे। तो हम करेंगे क्या चीज, अलॉटमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 4,200। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा अलॉटमेंट शेयर कितना, 3,000 अलॉटमेंट शेयर्स।
कितने आ गए, 3000 अलॉटमेंट आ गया। तो अलॉटमेंट आ गया तो सबसे पहले देखो 3000 किस में, 600 है, 3200 है, 3400 है, 3000 शेयर्स है। तो इसका मतलब डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और एक्सेस पैसा कितना हमारे पास आएगा, 2400, यू कैन कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, देखो आर लिमिटेड फोरफिटेड, 300 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के फुल्ली कोल्ड अप है भाई, पूरा का पूरा पैसा मंगा लिया 10 रुपए का था, हेल्ड बाई फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एक्स फॉर द फर्स्ट 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। ठीक है भाई, हाउ एयर ही पेड एप्लीकेशन मनी एट द रेट, एट द रेट 72 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज पर शेयर, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर द कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन। इसको कैलकुलेट करना है अब हमें, तो कैलकुलेट कर देंगे। देखो टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना है, 300 इनटू, और कितना पैसा आया उसमें से हेल्ड बाय द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और कितना 5 रुपए नहीं आया। तो टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिटेड कितना आएगा, 300 इंटू 5 कितना आएगा, 1500 रुपए। डिस्काउंट कुछ दिया है, डिस्काउंट नील है। तो इसका मतलब अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट कर देंगे, तो सिंपल सी बात है कैपिटल अकाउंट में कितना कर देंगे, 1500 पूरा का पूरा हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व एट द टाइम ऑफ शेयर फोरफिटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 1500 से, तो ए विल बी द आंसर। ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया। और उसने पूछा एट द टाइम ऑफ फोरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट कर देंगे, 1500 रुपए से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चल रहा है, आर लिमिटेड 300 शेयर फोरफिटेड किए हैं आर लिमिटेड ने, और एक शेयर कितने का था, 10 का कोल्ड अप मंगाया था, हेल्ड बाय द मिस्टर एक्स नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपए 3 रुपए, हाउ वेयर ही पेड अलॉटमेंट, उसने पैसा एप्लीकेशन के साथ कितना दे दिया, 2 रुपए पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी 3 रुपए पर शेयर, दीज शेयर्स वर री इशूड एट 10 रुपीज ईच। तो बाग और पूरा का पूरा शेयर फॉरफिट करने के बाद उसको री इशू कर दिया 10 रुपए पे, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी, तो कितना पैसा अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो सबसे पहले क्रेडिटेड टू फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा हम जब्त कर लेंगे, कितना पैसा हम, उसने कितना पैसा दिया है, 2 रुपए, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए, सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, तो इसका मतलब 300 शेयर में से 5 रुपए उसने दे दिए, तो 1500 रुपए उसका फोरफिटेड कर लिया। क्लियर है बात। अब उसने री इशू कर दिया कितने पे, 10 रुपए पे, वो था कितने का, वो 10 रुपए का, कितने पे री इशू किया उसने, भाई 10 रुपए का था, 10 रुपए पे इशू किया है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आंसर विल बी द 1500 विल बी द आंसर, ना 3000, ना 6000, ना 900 रुपए, तो आंसर कितना होगा हमारा, 1500। ये बस 30th क्वेश्चन देखना, 30th क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, क्या है 30th क्वेश्चन में देखना क्या पूछा है इसमें, मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन पे, कहीं ना कहीं गलत हुआ है हमारा। एक्स लिमिटेड ने 300 शेयर्स क्या किए थे, फोरफिटेड किए थे, 10 रुपए का कॉल अप है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए, ठीक है, एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, हाउ एयर द पेड एप्लीकेशन, एट द रेट रुपीज है, ये रुपीज, सॉरी ये क्या है, रुपीज है,
2 रुपीज पर शेयर एंड द अलॉटमेंट बने 3 रुपए पर शेयर एट द टाइम ऑफ फॉरफिटिंग द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिटेड होगा, कैपिटल अकाउंट तो इसका मतलब जितना हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड एट द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितने का था, 300 × 10, तो कितने से क्रेडिटेड होगा, 3000 से। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 3000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना, क्योंकि इससे याद आया कि सेम क्वेश्चन है, उसमें 72 है, तो रुपीज जो है वहां पे 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में क्या बोला है, एक्स आर लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर है, 10 रुपए का एक है, ठीक है, कॉल्ड अप हेल्ड बाय द मिस्टर एक्स नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया उसने, हाउ वेयर, जबकि उसने ही पेड अलॉटमेंट का 2 रुपए दे दिया और अप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का 3 रुपए पर शेयर उसने पे कर दिया। द शेयर अप्लीकेशन वर री इशूड एट द 7 रुपीज, तो कितने पर री इशू किया, 7 रुपए पे, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो सिंपल सी बात है, फोरफिटेड कितना किया था हमने, 300 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से इतना पैसा था हमने फोरफिटेड कर लिया और पूरा का पूरा री इशू कर दिया, कितने शेयर्स पे, कितने रुपए पे, 7 रुपए पे। तो इसका मतलब कि 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में इशू किया था, इसका मतलब डिस्काउंट पे किया हमने 3 रुपए डिस्काउंट पे। जो 3 रुपए डिस्काउंट है वो हम कहां से यूज करेंगे, जो हमने पैसा जब्त किया था जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटेड शेयर फोरफिटेड, तो उसमें से हम यूज करेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब 3 रुपए पे 300 शेयर्स का कितना पैसा यूज कर लेंगे हम, 900 रुपीज डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। तो 1500 में से 900 रुपए हमने यूज कर लिया, तो बाकी का जो पैसा बचा हमारा कितना, 600 विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आंसर कितना आएगा हमारा, 6600 सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 में क्या बोला है, आर लिमिटेड फोरफिटेड 300 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप है, हेल्ड बाय द मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, हाउ वेयर ही पेड अप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, कितना पैसा उसने दे दिया, 2 रुपए 3 रुपए अलॉटमेंट का पैसा उसने दे दिया, किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का 5 रुपए नहीं दिया। द शेयर वर री इशूड एट द 12, अब 10 रुपए का शेयर कितने पे री इशू कर रहे हैं, 12 रुपए, तो इसका मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट ट्रांसफर करा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो इसका मतलब जितना हम अपना क्या चीज शेयर फोरफिटेड करेंगे उसका पैसा जो जब्त होगा होगा पूरा का पूरा किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो पूरा का पूरा कितना है, 300 × 5, तो कितना ये हमारा जो फोरफिटेड अमाउंट है पूरा का पूरा हमारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आंसर विल बी द A will be the answer, 1500 rupees will be the transfer to the capital reserve account. Next 34 dekhna, 34 kya bol raha hai, T limited forfeited 500 share forfeit kiye hain aur ek share kitne ka tha, 10 rupees ka, fully called up, held by the Ram for non payment of allotment including 2 rupees premium and the first call and final call, 2 rupees first call pe, 3 rupees final call pe, however ही पेड अप्लीकेशन मनी 2 रुपए, दी शेयर वर री इशूड एट कितने पे री इशू कर दिए, 70 पे, ओन री इशू अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कितना ट्रांसफर किया जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिटेड तो कितना है, 500 × 2, भाई 2 रुपए ही मिला है तो इसका मतलब कितना, 1000 रुपीज, डिस्काउंट पे तो है नहीं, तो इसका मतलब कि 10 रुपए का शेयर उसने कितने रुपए पे इशू कर दिया, 70 रुपीज पे इशू कर दिया। तो इसका मतलब प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया तो मतलब जितना अमाउंट हमने फोरफिटेड किया था वो पूरा का पूरा अमाउंट किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। द आंसर विल बी द 1000 विल बी द आंसर, डी इज द आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 35, टी लिमिटेड ने 500 शेयर्स इक्विटी शेयर्स के 10 रुपए फुल्ली कोल्ड अप है,
held by the Mr. Ram for non payment of hello hello including ₹2 प्रीमियम फर्स्ट कॉल ₹2 फाइनल कॉल ₹3 हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर द शेयर वर रीइश्यूड एट ₹9 ईच कितने पे रीइश्यू किया है ₹9 पे ओके कोई बात नहीं है भाई ऑन रीइश्यू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ठीक है भाई ना एक सेकंड रुकना हेलो 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 हाँ ऑन रीइश्यू अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना पैसा हम ट्रांसफर करेंगे किसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 1500 2500 500 या 1000 तो आप सबसे सिंपल बात अमाउंट क्रेडिटेड कितना कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 500 शेयर है ₹2 के हिसाब से है तो कितना फॉरफिट कर लेंगे हम ₹1000 डिस्काउंट पे इशू किया है तो इसका मतलब ₹10 का शेयर हमने ₹9 पे इशू किया तो इस मतलब ₹1 डिस्काउंट पे इशू किया और कितने शेयर 500 शेयर तो इसका मतलब कितना पैसा यूज कर लिया जाएगा उसमें से ₹500 यूज कर लिया जाएगा किस चीज का डिस्काउंट ऑन दी इश्यू ऑफ शेयर तो इसका मतलब कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 500 तो सी विल बी द राइट आंसर 500 36 क्वेश्चन देखो 36 में क्या बोला है टी लिमिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ₹10 का एक है फुल्ली कॉल पूरा का पूरा पैसा मंगाया उसने हेल्ड बाय द राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है द फर्स्ट कॉल ₹2 फाइनल कॉल ₹3 हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी ₹2 के कितना पैसा दिया उसने ₹2 दिया दी शेयर्स वर री इशूड एट ₹30 कितने पे ₹13 पे इशू किया है तो आंसर कितना होगा ऑन दी री इशू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना पैसा री इशू किया जाएगा इसका मतलब कितना पैसा आया है आया कितना पैसा है 2 × 50 500 तो कितना पैसा हमारे पास आया है 1000 उसका पैसा जब्त कर लिया गया कितना 1000 और ₹10 का शेयर कितने रुपए पे इशू किया 13 पे तो इसका मतलब कोई पैसा हमारा जो शेयर फॉरफिट रेट है यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो पैसा है ₹1000 हमारा किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में तो आंसर कितना आएगा हमारा 1000 विल बी द आंसर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हमारा है देखो W लिमिटेड 400 इक्विटी शेयर्स ₹10 का एक है कोल्ड अप बाय हेल्ड मिस्टर पी नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ₹3 हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी ₹2 अलॉटमेंट ₹2 फर्स्ट कॉल ₹3 तो इसका मतलब कितना पैसा आ गया 3 × 5 = 7 ₹7 हमारे पास आ गया और एक कितने शेयर पे 400 शेयर पे तो इसका मतलब कितना पैसा हमारे पास आ गया ₹2400 हमारे पास शेयर फॉरफिट कर लिए गए किसके मिस्टर पी के दी शेयर वर री इशूड ₹7 एज कितने पे ₹7 पे क्या किया है री इशू किया है तो ₹7 पे री इशू किया तो ₹10 का शेयर ₹7 पे इशू किया तो इसका मतलब ₹3 डिस्काउंट पे किया तो ₹3 के हिसाब से 400 शेयर कितना पैसा हमने यूज कर लेंगे ₹1200 यूज कर लेंगे तो इसका मतलब कितना पैसा हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाएगा तो ₹1200 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट ₹1200 विल बी द आंसर सी इज द राइट आंसर तो 38 सेम है 39 सेम है ये आपका होमवर्क है 40 भी सेम है अब हमारा चलता है 41 क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो 41 क्वेश्चन बोल रहा है ऑन फर्स्ट 2015 एक्स लिमिटेड मार्क्स एंड इशू 1000 इक्विटी शेयर्स कितना रुपीज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज तो इसका मतलब कितने शेयर्स हो गए 1000 इक्विटी शेयर्स और एक शेयर कितने का है ₹100 का
एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 30 रुपये, फाइनल कॉल पे 50 रुपीज, 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। कितने मंथ के बाद? 3 मंथ के बाद, अलॉटमेंट के बाद। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,20,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर रिफंडेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड। कितना अलॉट किया गया था? 2,000 शेयर। शेयर्स आर पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद द अलॉटमेंट मनी एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 300 शेयर्स। शेयर्स वर शेयर्स बट विच ही पेड विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू चार्ज एंड allow interest according to table F schedule 1st company act 2013 interest on calls in advance। interest on calls in advance कितना रुपया दिया जाएगा? तो interest on call कितने shares का था? 2000 shares का था। कितना पैसा था? 50 rupees के हिसाब से into किस rate से दिया जाएगा? 12% की rate से दिया जाएगा। और कितने month का था वो? केवल 3 month का था। तो कितना आएगा इसका answer? 3000 will be the answer। तो 3000 A will be the right answer। नेक्स्ट आप देखो, ए कंपनी कैन नॉट इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर आउट ऑफ। एक कंपनी है वो इश्यू नहीं कर सकती फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अपने मेंबर्स को, किस में से? सिक्योरिटी प्रीमियम में से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से, या ऑल ऑफ द अबव। तो किस में से नहीं कर सकती? किस में से? रिवेल्युएशन रिजर्व अकाउंट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट शेयर कैन बी ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पर्सन टू अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और द एम्प्लॉय बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजुलेशन, ऑर्डिनरी रेजुलेशन या बोर्ड रेजुलेशन। तो स्पेशल रेजुलेशन क्या करना पड़ेगा? उसको पास करना पड़ेगा। इफ ए कंपनी मेक्स बोनस इशू एट 2:3 देन इट मीन्स फॉर एवरी 2 शेयर्स 3 बोनस शेयर विल बी अलॉटेड, एवरी 3 शेयर्स 2 बोनस शेयर विल बी एलोकेटेड, फॉर एवरी ईव शेयर्स 3 बोनस शेयर विल बी एलोकेटेड, फॉर एवरी 5 शेयर्स 2 शेयर बोनस विल बी अलॉटेड। तो इसका मतलब क्या है? तो एवरी फॉर एवरी 3 शेयर 2 बोनस शेयर विल बी एलोकेटेड, बी इज द राइट ऑप्शन। नोटिस रिलेटिंग टू एन ऑफरिंग फॉर राइट इशू शैल बी डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, एनी वन ऑफ द अबव। राइट इशू के डिस्पैच कर रहे हैं तो किसके थ्रू करना पड़ेगा? रजिस्ट्री के साथ, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, या एनी वन ऑफ दम। तो किसी के भी थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिस्पैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी वन ऑफ द। तो क्या यूज कर सकते हैं हम इसमें? एनी वन ऑफ द, कोई भी यूज कर सकते हैं किसमें? इशूइंग बोनस शेयर में। नोटिस रिलेटिंग टू ऑफर फॉर द राइट इशू शैल बी डिस्पैच थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। कितने दिन पहले? 3 days, 5 days, 7 days, 10 days। तो क्या आंसर आएगा? 3 days will be the answer। Value of the right means market value plus average price value of share, market value less average price value of share, market value multiplied by adjustment factor, market value less average price of the share multiplied by an adjustment factor। तो आंसर क्या आएगा इसका? Market value less average price of the share is the value of right। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द कंपनी इशू बोनस शेयर? बोनस शेयर इज एन इनकम, टोटल मार्केट वैल्यू कम्स डाउन आफ्टर द बोनस इशू, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज विद द इशू ऑफ शेयर्स, फंड फ्लो इफेक्ट एडवर्सली ड्यू टू द बोनस शेयर। तो क्या आंसर आएगा इसका? पेड अप शेयर कैपिटल विल इंक्रीज विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस issue must be authorized by the board of director, article of association of company, shareholder by the ordinary resolution, all of the above। So answer kya aayega? All of the above।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डेवलपमेंट रिबेज रिजर्व अकाउंट, या प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन? तो सिलेक्शन करेक्ट फ्रॉम दी 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 5 ओनली. तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 और 3. सी इज द राइट आंसर. केवल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में से हम यूज कर सकते हैं बोनस शेयर देने के लिए. बोनस इशू कैन बी मेड ऑन पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, बोथ आइदर ए और बी, या बोथ ए बी. तो केवल फुल्ली पेड अप बोनस शेयर पे हम क्या दे सकते हैं? बोनस शेयर. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? Which of the following condition section 3 is required to be complied with the company before making bonus issue? Bonus issue is authorized by its article. Company has no default in payment of interest or principal in respect of fixed deposit debt securities issued it. Company has default in payment of statutory duties to employees like PF, gratuity and bonus, or all of the above. So answer kya aayega iska? All of the above is the right answer. 14th क्वेश्चन क्या बोला है? Which of the following statement is false? इसमें से गलत कौन सा है? The bonus share shall not be issued in lieu of dividend. The company which has once announced the decision of its boards recommending as a bonus issue can be withdraw the share. In case of bonus issue, there is no cash flow. Issue of bonus share does not affect the market value of company. आंसर क्या आएगा? जो कंपनी है, द कंपनी विच हैज वंस अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग ए बोनस इशू कैन विथड्रॉ द शेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग बोनस शेयर? डेप्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. डेबिट द बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, एंड क्रेडिट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट. डेबिट द जनरल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. डेबिट करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट और क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. क्या एंट्री बनेगी जब हम क्या करेंगे? बोनस कर शेयर इशू करेंगे, बोनस शेयर इशू करेंगे तब. तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो सी इज द अवर राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा देखो क्या है क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा सही है? डिबेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन इवेंट ऑफ प्रॉफिट. तो डिबेंचर की कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? जो डिबेंचर है इशूड एट डिस्काउंट एंड कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम. इशूड पे भी डिस्काउंट किया जा सकता है और रिडीम किस पे किया जा सकता है? प्रीमियम पे भी रिडीम किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट. जो प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर अकाउंट है अपीयरिंग बैलेंस शीट, को कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है एज इनकम, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है एज एक्सपेंडिचर. तो वो क्या है? एज ए पर्सनल अकाउंट. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? एट ए मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर गेट्स बैक देयर मनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, डिबेंचर कैन बी फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी. In company balance sheet, debenture are shown unsecured loans. In interest on debentures is charged against the profit. इसमें से गलत कौन सा है? गलत क्या है? Debenture can be forfeited. कभी भी debentures को क्या नहीं किया जा सकता? Forfeit नहीं किया जा सकता. ये statement क्या है? गलत है. Next question क्या बोला है? Which of the following statement is false? A company can issue convertible debenture, debenture cannot be secured, a company can issue redeemable debenture, debenture have no right to participate in profit over the above their fixed interest. तो कौन सी statement गलत है? तो debentures cannot be secured. जो debentures है वो secured नहीं किए जा सकते. Question number 5th क्या बोल रहा है? Debenture interest is payable only in case of profit, accumulated in case of loss or inadequate profit. Is payable after the payment of preference dividend but before payment of expiry equity dividend.
इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन शेयर्स। तो डिविडेंड डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ, कोई भी डिविडेंड देने से पहले उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा, किसका, डिबेंचर का। Which of the following is the not characteristics of bearer debenture? Bearer debenture का दूसरा नाम आप बताओगे। They are treated as negotiable instrument. Their transfer requires a deed of transfer. They are transferable from merely delivery. The interest on it is paid to the holder irrespectively identity. तो आंसर क्या आएगा इसका, द ट्रांसफर रिक्वायर्स अ डीड ऑफ ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी द फाइनल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग कोलैटरल डिबेंचर इन बुक्स इज क्रेडिटर डिबेंचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, तो इसकी एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सी विल बी द राइट आंसर। डिबेंचर कैन बी मोर्गेज डिबेंचर और सिंपल डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर, रेडीमेबल डिबेंचर, इरेडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कौन सा आएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ थर्ड एंड फोर्थ, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा इसका, ऑल ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज द आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से गलत कौन सी, डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोइंग, इज इट इज ए customary to prefix debenture with the agreed rate of interest in case of fixed interest debenture, interest is charged against the profit, the issue price and redemption value of debenture cannot be different. तो इसमें से गलत कौन सा है, गलत है the issue price and redemption value of debenture cannot be different. Interest on debenture is calculated its face value, its issue price, market price या redemption price. तो face value पे। Which of the following is true regarding 10% debenture issued at 20% discount? They carry amount of debenture get reduced every year at the 20% issued price and carrying amount of debenture are equal at the time of redemption. The debenture holder will pay the issued price. The face value and the carried amount of debenture are equal. So answer kya aayega iska? Answer aayega the face value and carrying amount of the debenture are the equal. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्या है, रिवेन्यू लॉस टू बी चार्ज इन ईयर ऑफ इश्यू, कैपिटल लॉस टू बी रिटर्न ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल लॉस टू बी रिटर्न ओवर द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर, कैपिटल लॉस टू बी शोन एज ए गुडविल। तो आंसर क्या आएगा इसका, जो कैपिटल लॉस है रिटर्न ओवर द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर, मतलब पूरे साल में उसका क्या करेंगे, खत्म करेंगे, कैपिटल लॉस है ये। When debenture are issued as collateral security against any loan, then the holder of such debenture is entitled to interest on the amount of loan, interest on the face value of debenture, interest both on amount of the loan on the debenture, and none of the above. तो उसको interest मिलेगा only amount of loan पे. A is the right answer. 14th question में क्या बोला है? When debenture are redeemed at different dates, the total amount of discount on issue of debenture should be written on early every year by applying the sum of year digit method, every year by applying the straight line method, to profit and loss in full year
वो फाइनल और लास्ट रिडेम्पशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फुल ईयर, फुल इन द ईयर ऑफ द फर्स्ट रिडेम्पशन। तो क्या करेंगे, एवरी ईयर करेंगे अप्लाइंग बाय द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर रेफर्स ओनर्स कैपिटल, लोन कैपिटल, शॉर्ट टर्म फंड, डेफर्ड इन्वेस्टमेंट। तो उसको क्या बोला जाता है, लोन कैपिटल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को क्या बोला जाता है, लोन कैपिटल। इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू ऑन डिबेंचर इज शोन अंडर द डिबेंचर एज अदर करंट लाइबिलिटी एज प्रोविजन एज रिडेम्पशन ऑफ बैंक बैलेंस। इसको दिखाएंगे एज ए अदर करंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट accrued not due on debenture is shown under the debenture as a current liability as a provision as a reduction of bank balance। इसको भी कैसे दिखाएंगे, as a current liability। Tax deducted at the source of interest on debenture is shown expense assets liability income। तो वो क्या है, हमारे तरह liability है हमारे लिए। Debenture premium cannot be used right of the preliminary redemption of the shares or debenture right of the discount of issue of shares payment dividend right of capital losses। तो किसमें यूज नहीं किया सकता, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स में यूज नहीं किया सकता, किया जा सकता जो डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू की है उनको। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट प्रोविजन कैपिटल एनी वन ऑफ दम। तो किसी में भी डिबेंचर रिडीम कर सकते हैं। डिबेंचर नॉर्मली कैन नॉट बी रिडीम एट प्रीमियम डिस्काउंट पार ऑल ऑफ द अबव। तो किस पे, डिस्काउंट पे। इफ डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड, डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो क्या है, ये सारे के सारे क्या है, सही है। 23 क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जर्नल रिजर्व। तो कहां पे, कैपिटल रिजर्व ए इज द राइट आंसर। अरेंज द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। पहले प्रिफरेंस शेयर को देंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे, डिबेंचर को देंगे। तो पहले पैसा किसको देंगे, पहला पैसा देंगे हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। किसको देंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स के बाद किसको देंगे हम, डिबेंचर होल्डर्स के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो कौन सा है, तो आंसर विल बी द बी विल बी द आंसर, सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बींग कैपिटल लॉस मस्ट बी शोन ऑन द एसेट साइड अंडर द एडिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी ऑन द लाइबिलिटी साइड एज अ डिडक्शन ऑफ शेयर होल्डर फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज अ फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। तो कहा दिखाएंगे ये दिखाएंगे एज अ डिडक्शन फ्रॉम द शेयर होल्डर फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्या चीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट है, साउंड बिजनेस पॉलिसी डिमांड्स दैट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ एज क्विकली एज पॉसिबल इन 5 ईयर, इन 10 ईयर, इन एग्री टाइम ऑफ इश्यू। तो एज क्विकली एज पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेथड ऑफ रिटर्निंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, एडजस्टिंग डिस्काउंट पॉलिसी मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका, एडजस्टिंग डिस्काउंट पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा है, इफ ए कंपनी एक्वायर सम एसेट फ्रॉम द वेंडर एंड द इंस्टेड पेइंग ऑफ वेंडर इन कैश द कंपनी मे अलाउ डिबेंचर इन पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इन सच केस इफ द फेस वैल्यू डिबेंचर इशूड मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड देन द डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट, या क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 31 में क्या बोला है, इफ द कंपनी एक्वायर सम एसेट्स फ्रॉम द वेंडर इंस्टेड पेइंग ऑफ वेंडर इन कैश द कंपनी मे अलाउ डिबेंचर इन द पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इन सच केस द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इशूड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड देन द डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट, या क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, उस टाइम हम बोलेंगे क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें बोलेंगे हम डेबिटेड टू
कैपिटल गुडविल अकाउंट, बी इज द राइट आंसर किसमें, 30 में, और इसमें क्या होगा हमारा क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ए इज द राइट आंसर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो क्या है, इज ट्रीटेड एज डेफर्ड एसेट्स अकाउंट, इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स, इज अ कैपिटल मस्ट बी रिटन ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द नॉन करंट एसेट्स। तो क्या करेंगे, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द नॉन करंट एसेट्स। जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है उसको हम कहा दिखाएंगे, एसेट साइड में, किसकी, बैलेंस शीट में, अंडर द नॉन करंट एसेट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें से क्या चीज जरूरी नहीं है, कब, जब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं तब, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तो हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीडीआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सेल ऑन और बिफोर 30 डेज ऑफ 1 अप्रैल इन एवरी ईयर, इन्वेस्ट और डिपोजिट एज द केस मे बी एज सम एज 7.5 नॉट लेस देन द नंबर ऑफ इट्स डिबेंचर मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st डेज ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो कितना होगा, 100%, 15%, 25% या 15%? तो आंसर विल बी द 15%। अनदर नेम ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड का दूसरा नाम क्या है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डबल डिक्लाइन मेथड, या नन ऑफ दी। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड का दूसरा नाम क्या है, कोई भी नहीं है, केवल इसको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड ही बोला जाता है। अनदर नेम ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड इज, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड का दूसरा नाम क्या है, रिडेम्पशन फंड मेथड या सिंकिंग फंड मेथड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी ए बी। तो क्या बोला जाता है इसको, इसमें से तो कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन क्या बोला जाता है, रिडेम्पशन फंड मेथड भी बोला जाता है इसको, और सिंकिंग फंड मेथड भी बोला जाता है। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टेड अकाउंट विल बी अपियर इन द एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ हेड, व्हाइल द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट विल अपियर ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ करंट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस। लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो किसमें आएगा ये, नॉन करंट एसेट्स में और रिजर्व एंड सरप्लस में, बी इज द राइट आंसर। लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा इसका, सिंकिंग फंड अकाउंट विल बी द आंसर। इफ द परचेज प्राइस ऑफ डिबेंचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड, द कोटेशन इज सेड टू बी एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, कैरिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग इंटरेस्ट। तो उसको क्या बोला जाता है, कैरिंग इंटरेस्ट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्या, इफ डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट प्रीमियम, देन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड, डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट डिबेंचर विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन क्या बोला, डिबेंचर इशूड एट पार बट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू। तो क्या होगा, लॉस मस्ट बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन विल बी इग्नोर्ड, एंड बैंक अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट बोथ विल बी रिकॉर्डेड, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन विल बी इग्नोर्ड बाय द बैंक अकाउंट एंड द डिबेंचर अकाउंट बोथ विल बी रिकॉर्डेड एट द फेस विल बी द आंसर। 45 क्या बोले, करेक्ट एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जब मिलेगा तो क्या एंट्री बनेगी, डेबिट करेंगे इंटरेस्ट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सही एंट्री क्या बनेगी इसकी, सही एंट्री बनेगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड।
नेक्स्ट है हमारा 46 क्वेश्चन, क्या बोले है, जेड पी ए क्या है, लिमिटेड इशू करती है 10,000, 10,000, 12% डिबेंचर, 100 रुपीज ईच पर पेबल ऑन द एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2019, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 11,000 डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल 2019, एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड, द अमाउंट दैट अमाउंट विल बी रिपेयर इन अपियर इन द बैलेंस शीट एज 12% डिबेंचर विल बी, कितनी होगी? तो कितना होगा, 10,000 इंटू कितना था, 100 रुपीज, तो कितना होगा, 10 लाख रुपीज। आंसर कितना होगा, 10 लाख रुपीज, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, जेड लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर, ₹10 एट डिस्काउंट, 10% पेबल ऑन एप्लीकेशन 31 मार्च 2019, एप्लीकेशन वर रिसीव 12,000 डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9 जून 2019, एक्सेस मनीज वर रिफंडेड ऑन द सेम डेट, द अमाउंट दैट विल अपियर इन द बैलेंस शीट एज 12% डिबेंचर्स, तो कितना होगा? तो इसमें भी कितना होगा आंसर, कितना, 10,000 कितना होगा, सॉरी 10 लाख कितना होगा, 10 लाख, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट, जो एसेट्स है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है एज ए करंट, इफ इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर पर्पज ऑफ बींग ट्रेडिंग, इफ इट इज नॉट पॉसिबल क्लासिफाई एज सच एसेट्स एज नॉन करंट एसेट्स, इफ द एसेट्स नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इफ द एसेट्स आर इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, तो आंसर इसका क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर, इफ इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बींग ट्रेडेड। ए कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट अटेस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार डैश विद इन द डेट ऑफ एजीएम इज प्रिस्क्राइब्ड मैनर अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, कितने दिन के अंदर अंदर, 10 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, तो कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, एज पर द शेड्यूल सेकंड ऑफ द कंपनी 2013 वेयर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज अज्यूम्ड हैविंग ड्यूरिंग 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, तो कितना माना जाता है, 12 मंथ। एज पर द रूल 12 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल 2014 ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव फाइल्ड डैश विच शुड बी प्रिपेयर बाय द प्रैक्टिसिंग सीए, फॉर्म AOC 3, फॉर्म AOC 4, फॉर्म AOC 6, फॉर्म AOC 6, तो कौन सा, फॉर्म AOC 4। Liability shall be classified as current when it is satisfy any one of them criteria following current. Is expected to settle company is normal operating cycle. It is due to be settled within the 12 month after the reporting date. The company does not have unconditional right to defer settlement of the liability at least 12 month after the reporting date. Yeah, all of the above. तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। 1% कंपनी शैल फाइल ए कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद डैश फॉर्म क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज या 180 डेज, कितने दिन के अंदर अंदर, 180 डेज के अंदर अंदर। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which of the following is required to disclose in notes to be account in respect of share capital? A reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning at the end of the reporting year, aggregate number of class of shares bought back, share in the company held by the each shareholder holding more than 5%, या all of the above. तो seventh answer क्या आएगा? All of the above. As per the rule 3, company filing of documents form extensible business reporting language.
रूल्स 2015 ऑल द कंपनीज हैव डैश फाइल देयर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टर यूजिंग द एक्सटेंबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इशूड कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसकी 5 करोड़, ऑथोराइज कैपिटल मोर देन 10 करोड़, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 करोड़ और अबाउ, या सब्सक्राइब कैपिटल होनी चाहिए 25 करोड़ या और अबाउ। तो उस केस में क्या है, उसकी क्या होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 करोड़ और अबाउ, पेड अप कैपिटल, सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपियर इन द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या सीक्रेट रिजर्व। क्या दिखाया जाता है, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एज पर द शेड्यूल इन द कंपनी 2013, कंपनी शैल डिस्क्लोज बाई वे ऑफ नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स इन रिलेशन टू एनी आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स विच एक्सीड्स 0.5% रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, 10,000, 1% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, विच एवर इज हायर, 0.5% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 10,000, विच एवर इज लेस। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख, विच एवर इज हायर। तो ये क्वेश्चन तो हो गए हम, नहीं। एज पर रूल 3, कंपनी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स एक्सटेंबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज रूल्स 2015, ऑल द कंपनी हैव टेन्योर डैश एस टू फाइल देयर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टर यूजिंग द एक्सटेंबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज। 50 करोड़ और अबाउ, 100 करोड़ अबाउ, 250 करोड़ और अबाउ, 500 करोड़ और अबाउ। तो कितना होना चाहिए, 100 करोड़ और अबाउ। एक सेकेंड रुकना, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें क्या बोला है, मीन्स ऑप्शन गिविंग द होल टाइम डायरेक्टर ऑफिसर इंप्लॉयज ऑफ द कंपनी विच गिव सच एज डायरेक्टर ऑफिसर्स इंप्लॉयज द बेनिफिट ऑफ राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट द फ्यूचर डेट द सिक्योरिटीज ऑफर बाय द कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। उसको हम क्या बोलते हैं, इंप्लॉय स्टॉक परचेज, जनरल इंप्लॉय बेनिफिट, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन या रिटायरमेंट बेनिफिट। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंपनी 2013 अलाउज कंपनी टू ऑफर शेयर्स टू इंप्लॉयज अंडर ए स्कीम ऑफ इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सेक्शन 31, सेक्शन 65, सेक्शन 62, सेक्शन 68। तो कौन सा, सेक्शन 62 ऑफर करता है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एज पर द सेक्शन 62 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ए कंपनी ऑफर ए शेयर टू इंप्लॉयज अंडर द स्कीम ऑफ इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन बाई पासिंग बोर्ड रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन, ऑर्डिनरी रेजुलेशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजुलेशन, बाई स्पेशल रेजुलेशन। ए लिस्टेड कंपनी कैन ऑफर वेरियस बेनिफिट टू इंप्लॉय सच एज इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या ई एस पी एस बाई कंपाइलिंग विद प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रेगुलेशन एक्ट 2014, कंपनी रूल्स 2014, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 एंड 2 किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीरियल इसमें चेंज है क्वेश्चंस का, तो ये आप मत सोचना कि फिफ्थ क्वेश्चन है या सिक्स्थ क्वेश्चन, उसी के आगे कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज कवर अंडर द प्रोविजन रिलेटिंग टू शेयर बेस्ड पेमेंट रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, परमानेंट एम्प्लॉय, होल टाइम डायरेक्टर, एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑल ऑफ द अबव। एज पर रूल 12, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, एम्प्लॉय इंक्लूड्स ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग आउटसाइड इंडिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड एम्प्लॉय हु इज प्रमोटर, होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द स्टार्टअप कंपनी। कौन सा सही है इसमें से, ए बी सी डी। तो इसमें से सही कौन सा है, डी, फर्स्ट और फोर्थ। कौन कौन होता है, एक तो ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग आउटसाइड द कंपनी, और दूसरा कौन है, होल टाइम डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज इंप्लॉय एंड हैंस एलिजिबल फॉर इंप्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट बेनिफिट, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, टेम्पररी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैव बीन वर्किंग इन इंडिया, एम्प्लॉय एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएट कंपनी या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी नहीं।
सेबी, शेयर बेस्ड इम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2040 अप्लाइज टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक ऑप्शन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम या रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। तो क्या देती है वो, ऑल ऑफ दी आर दी करेक्ट, जो ये सारे के सारे रूल्स से अप्लाइज होते हैं इन पे। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला है, अंडर द एम्प्लॉयज आर गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर ऑन द स्पॉट एट डिस्काउंट प्राइस, उसको क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय परचेज स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट स्कीम, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ए इज द राइट आंसर। अंडर द एम्प्लॉयज आर गिवन ऑप्शन, एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है परचेज शेयर स्पॉट एट डिस्काउंट, उसको क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अंडर ईएसपीएस एम्प्लॉयज आर गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर ऑन द स्पॉट एट डिस्काउंट प्राइस, स्पेशल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट प्राइस या फ्लोर प्राइस, किस पे, डिस्काउंट प्राइस पे। अंडर ईएसओएस Employees are given option to purchase share on the spot, later date after vesting, relevant date later after at the end of accounting year, later date after vesting period. 12th question क्या बोल रहा है, Dash share है issued under ESOS can be issued at the part of a public issue, has no vesting period, has to be approved separately by the company in general meeting by passing special resolution या all of the above. तो आंसर क्या होगा, हैज टू बी अप्रूव्ड सेपरेटली इन द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, डैश मींस प्राइस इफ एनी पेबल ऑफ एम्प्लॉय फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ एसएआर ग्रांटेड, ऑफर प्राइस, द एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस या फेयर प्राइस, उसको क्या बोलते हैं हम, द एक्सरसाइज प्राइस। 14th क्वेश्चन क्या बोला है, डैश मीन द प्रोसेस विच कंपनी इशू ऑप्शन एस ए आर शेयर और एनी अदर बेनिफिट अंडर द स्कीम, ग्रांट, ऑप्शन एक्सरसाइज या एप्रिसिएशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रांट। ए कंपनी में इंप्लीमेंट शेयर बेस्ड इंप्लॉयज बेनिफिट स्कीम डायरेक्टली ट्रस्ट रोट रूट आइदर ए और बी, नाइदर ए एंड बी, तो आंसर क्या होगा इसका, आइदर ए एंड बी आर द करेक्ट। ये हमारे एमसीक्यूज थे किससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, जो कि हमारे नियर अबाउट पूरा जो कंपनी टॉपिक है वो कंप्लीट करता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।